केएल राहुल, जिन्हें लोग कमाल लाजवाब राहुल भी कहते हैं, इस समय अपने कैरियर के बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं। चाहे जिस नंबर पर उतारा जाए, राहुल का बल्ला खूब बोल रहा है। बैटिंग, कीपिंग और कप्तानी तक में राहुल कमाल कर चुके हैं। राहुल की यह फॉर्म न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में भी जारी रही। राहुल ने इस मैच में कमाल की सेंचुरी जड़ी। इस सेंचुरी के साथ ही आमतौर पर ओपनर खेलने वाले राहुल पांचवें नंबर पर हाल के सालों में भारत के बेस्ट बल्लेबाज बन गए। यह पांच नंबर पर बैटिंग करते हुए पिछली चार पारियों में राहुल की तीसरी 80 प्लस की पारी थी। केएल राहुल से पहले सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे बल्लेबाज थे जो इस नंबर पर आकर एक से ज्यादा बार 80 प्लस की पारियां खेल पाए हैं। भारत के लिए नंबर पांच पर बैटिंग करते हुए आखिरी सेंचुरी महेंद्र सिंह धोनी ने मारी थी। धोनी ने साल 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ 134 रन बनाए थे। इसी नंबर पर बैटिंग करते हुए धोनी ने 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 92 रन की पारी खेली थी। इस लिस्ट में सुरेश रैना भी शामिल है। रैना ने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 110 रन बनाए थे। और अब नए बल्लेबाज केएल राहुल है जो नंबर पांच पे बैटिंग करते हुए सेंचुरी मार रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में राहुल ने पांचवें नंबर पर बैटिंग की थी। उस मैच में 80 रन बनाने वाले राहुल की अगली तीन पारियां न्यूजीलैंड खिलाफ आई। इन तीनों पारियों में राहुल ने 88, 4 और 112 रन बनाए। तीसरे मैच में 112 रन बनाने वाले राहुल ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में कुल 204 रन बनाए। तीन में से एक बार नॉट आउट रहने वाले राहुल ने यह रन 102 के एवरेज से बनाए। इस सीरीज में एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी मारने वाले राहुल का स्ट्राइक रेट 110 से ज्यादा का रहा। पांचवें नंबर पर कभी भारतीय टीम की जान रहे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी निश्चित तौर पर राहुल की इस परफॉर्मेंस से बहुत ही खुश होंगे।